मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाए मेथी ग्रास, दशरथ घास, स्तुति, वंडर ग्रेस, सुबाबुल और शेवरी। अगर ये नमस्कार दोस्तों, बकरियों के लिए हम लोग हरा चारा जीरो मेंटेनेंस में कैसे बनाएं और वो ज़्यादा न्यूट्रिशन हो, उसमें प्रोटीन्स हो, क्योंकि बकरियों का जो पूरा खेल है वो चारा के ऊपर है, वो भी हरे चारे के ऊपर है। अगर आप अच्छा चारा देते हैं तो बकरियों की हेल्थ अच्छी रहती है, बकरियाँ ग्रो अच्छी होती है, वेट अच्छा आता है, तो ओवरऑल जो है चारे के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि जीरो मेंटेन आप चारा कैसे बना सकते हैं और बकरियों को दे सकते हैं कम खर्चे में। तो आज हमारे साथ यहाँ पे महाकाली गोट फार्म के तेजस लेंगरे सर है। नमस्कार सर। नमस्ते। तो तेजस सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें बताइए, आपने यहाँ पे बहुत सारा, मैंने देखा 2-3 एकड़ में आपने जो हरा चारा का मैनेजमेंट किया है, जैसे यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो क्या क्या चीजें आपने लगाई है? देखिए सर, ये अभी आप जो देख रहे हैं ये वंडर ग्रेस सुबाबुल है। देखिये ये 3.5 महीने का पेड़ है सर, और ये पेड़ अभी यहाँ से मैंने इसको 3 फीट पे यहाँ पे कट लगाया हुआ है, जो उसका आगे वाला जो बढ़ने वाला जो सेंडा बोलते हैं उसको कट किया है। और यहाँ पे 7 आंक रखी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आंक रखी हुई है सर। अभी देखिए, अभी मैं फिर से इसको कट करने वाला हूँ। इसमें जो गैप है सर, देखेंगे आप अगर यहाँ पे आइए सर, देखिए ये यहाँ पे अगर 1-4 फीट पे है तो ये पेड़ यहाँ पे 4 फीट पे है। अच्छा, मतलब ठीक है सर, पौधा यहाँ पे और एक पौधा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपने जो है जिगजैग इसको लगाया? हाँ बिल्कुल, जिगजैग लगाया हुआ है सर। और ये देखिए आगे आके के ये जिगजाग लगा के इसके जो बीच का जो गैप है ये 6 फीट का है सर। अच्छा, दोनों रो का जो अंतर है? हाँ बिल्कुल, ये दोनों पेड़ के बीच वाला जो अंतर है ये 6 फीट का है। अच्छा, और इसका नाम क्या बोला आपने सर? सर ये वंडर ग्रेस सुबाबुल है। अच्छा, और इसके अलावा इसमें आपने कौन कौन से मतलब घास लगाई है? सर इसके अलावा मैंने मेथी रिजका घास लगाया हुआ है, दशरथ घास लगाया हुआ है, तुती लगाया हुआ है। तो सर ये अभी 3.5 महीने के पेड़ है, अगर 3.5 महीने में आपको इतना, अगर इसमें देखिए इसकी खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ, तो इसमें आपको सेंग नहीं आएगी। अच्छा, इसमें पाला ज़्यादा आएगा, पत्तियाँ ज़्यादा आएगी, पत्तियाँ ज़्यादा आएगी और इसमें सेंग नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि अगर ये इसका पेड़ अभी छोटा है, यानी कि 3.5 महीने का पेड़ है, अगर ये जिस दिन बड़ा हो जाएगा तो बड़े बड़े आपको डालियाँ इसकी मिल सकती है। और पत्तियाँ ज़्यादा होने से बकरियों को पत्तियाँ ज़्यादा पसंद है। जो सुबाबुल है इसमें बहुत सारे कंटेंट्स है, बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे इसमें कैल्शियम है। अगर आप ये बकरियों को अगर आप दे रहे हैं तो बकरियाँ आपकी बिल्कुल हेल्दी रहेगी सर। और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है? बिल्कुल ज़्यादा खर्चा तो है नहीं सर, एक बार ये लगा दिया और फिर इसको जैसे कि हमने ड्रिप कर दी है, और ड्रिप का देखिए बटन देख रहे हैं आप। अच्छा, तो इससे पानी इसको मिल रहा है। हाँ। और ये सर देखिए, ये अगर बड़े लेवल पे एक बार इसका जो पेड़ अगर इसका बड़ा हो गया तो इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारा इसमें आपको मटेरियल बकरियों को डालने के लिए ये पत्तियाँ या फिर ये डालियाँ बहुत सारी मिलने वाली है, बकरियाँ आपकी खा के बहुत दुस्त रहेगी। और सर ये 33 फीट लंबा और 33 फीट चौड़े में ये 54 इसके पेड़ आ जाते हैं। और लगाने के बाद ये कटिंग में कितने दिन बाद आता सर? देखिए अभी आप देख ही रहिए, 3.5 महीने के पौधे हैं। आपने गर्मियों में लगाए थे? बिल्कुल गर्मी में लगाए थे, अभी काटने के लिए आए हैं। कब कब इसका प्लांटेशन कर सकते हैं सर? कभी भी, कभी 12 महीने, कभी भी। या आपके पास अगर कोई जमीन ऐसी हो कि जिसमें पानी बहुत लगता हो या फिर जिसमें मिट्टी कम और इसमें कंकड़ ज्यादा है, उस जमीन में भी ये अच्छा खासा आ सकता है। और इसके अलावा आपने बताइए कि मुझे आपने दशरथ घास लगाई और मेथी घास लगाई है, थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, उसको कैसे लगाना है और कब हार्वेस्टिंग करना है उसका? देखिए मेथी ग्रास जो है, मेथी ग्रास एक बहुत बढ़िया चारा है। मेथी ग्रास भी मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाए मेथी ग्रास, दशरथ घास, स्तुति, वंडर ग्रेस, सुबाबुल और शेवरी। अगर ये 5 चारे आप अपने पास रखते हैं हरा चारा, तो आपको जेब से पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। ये वंडर ग्रेस सुबाबुल जो है आपको सालों साल चलेगी, ऐसा नहीं कि ये 2-3 साल में रुक जाएगी, ये सालों साल चलेगी, इससे सालों साल आपको चारा मिल जाएगा। और दशरथ घास आपको 3 साल तक चारा दे सकता है, मेथी ग्रास आपको 3 साल तक चारा दे सकता है, और तुती सर आपको, तुती भी आपको सालों साल चलेगी। अच्छा, और आपने जैसे कि ये 5 घास आपने मुझे बताया कि जो जो चीजें जो, तो ये 5 घास का थोड़ा बकरियों को डालने का शेड्यूल भी बता दीजिए। देखिए आप एक बार दशरथ घास डाल दीजिए, और दशरथ घास डालने के बाद वंडर ग्रेस सुबाबुल उसके साथ में दे दीजिए शाम को। दूसरी बात कि सुबह में आप एक बार मेथी ग्रास और एक बार तुती दे दीजिए। सुबह तुती डालिए, बाद में मेथी ग्रास डालिए, बकरियां खा के तुस्त रहेगी सर। और शेवरी आप कभी भी डाल सकते हैं, आपको सुबह या शाम उसमें ऐड कर सकते हैं।
और इसके अलावा आप कुछ नहीं डालते? बिल्कुल, इसके अलावा कुछ नहीं डालते और इस पे बकरियां बहुत सारी हेल्दी है। आपने जैसे कि देखा क्या मैं आपके फार्म में देखा 450 अफ्रीकन बोर गोट है। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ नहीं डालते आपने? बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ नहीं डालते। तूर नहीं, मुर्गास नहीं, कुछ नहीं? तूर नहीं, मुर्गास नहीं, या फिर जो सपोर्टिव खुराक जो है, यानी कि लोग मक्का दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, चने का भूसा दे रहे हैं, चना दे रहे हैं बिल्कुल बकरियों को, मूंगफली का पेंट दे रहे हैं, ये सब चीजें आपको डालने की जरूरत नहीं अगर आप ये पांच चारा अगर आपके पास है तो। मतलब ये तो जीरो मेंटेनेंस हो गया पूरा। बिल्कुल सर, जीरो मेंटेनेंस पे आप बकरियां संभाल सकते हैं। मतलब कोई खर्चा ही नहीं मेरे हिसाब से, केवल इसको आपको 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए मेरे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कितनी होनी चाहिए जमीन? सर देखिए, आपकी कितनी बकरियां उस पे डिपेंड कर रही है। अभी मेरा तो आगे वाला सपना मेरा है कि मैं 1000 बकरियां संभालूं और उस हिसाब से मैं ये ज्यादा चारे के पीछे पड़ा हूं कि ज्यादा चारा लगाऊं और ज्यादा बकरियां संभालूं ताकि बाहर से इंपोर्ट न करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके खेत में रहे, बगल में रहे, काट के तुरंत डाल दिया, काम बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, और बस पानी, चारा, काम खत्म। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा सर। तो दोस्तों, तेजस सर ने आज हमको इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी दी। और इसके अलावा आपको अगर ये कोई चारा घास का वगैरह मतलब प्लांट्स वगैरह चाहिए तो इनका इनसे जो है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे मैं कॉन्टेक्ट डिटेल डाल दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए इंडियन फार्मिंग चैनल के साथ। धन्यवाद।